हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर। आज के इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आपका जूनियर इंजीनियर झारखंड में सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स सारा चाहिए। डॉक्यूमेंट का मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का जो ज्वाइनिंग हुआ था वो भी सेम पैटर्न पे था, वही सारी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई थी। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी पोस्टिंग नहीं आने वाला है। अभी आपको सिर्फ अपना जो हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट का, वहाँ पे योगदान देना है। उसके बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही आपका पोस्टिंग आएगा, उसमें लोकेशन मेंशन सो इस होगा। पहला एफिडेविट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके, तो आपका जो होम एड्रेस है वहाँ का जो नियरेस्ट एसटीओ ऑफिस है या फिर अनुमंडल पदाधिकारी है, वहाँ से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का डिक्लेरेशन देना होगा कि वाट एवर डॉक्यूमेंट्स आई एम गोइंग टू सबमिट इज कम्प्लीटली करेक्ट एंड टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और इसमें ये इस पे क्वेश्चन आता है कि कहाँ से हमको बनाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ से बनवा सकते हैं। इस पे मैंडेटरी नहीं कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट वाले हॉस्पिटल से बनाना, आप कहीं से भी बना सकते हैं, रांची में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट है, वो भी मैं दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा सारा फॉर्मेट कैसे है। और फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है घर का, वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा, ये 2 दिन में हो जाएगा। और बाद में डोरी डिक्लेरेशन भी आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी आप कोर्ट से एफिडेविट करवा सकते हैं। और फिर इसके अलावा आपका जो एक परफॉर्मर आता है 5 नंबर पे, उस पर प्रॉपर्टी डिटेल्स आपका फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स में बेसिकली आता है कि आपका जो मूविंग एंड नॉन मूविंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे चल अचल संपत्ति का विवरण ही सबमिट करना होता है। ओके, और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेरी था कि UDHD यानी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये जो है ये झारखंड गवर्नमेंट के अंडर है कि नहीं है, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, आफ्टर डूइंग सम रिसर्च, अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये नगर निगम के अंदर में है और अभी तक ये झारखंड गवर्नमेंट से इंटीग्रेट नहीं हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट वैकेंसी जो निकला है UDSD डिपार्टमेंट की तरफ से, बात करें AE का या फिर JEE का। चलिए दोस्तों, अब दिखा देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, कौन सी फॉर्मेट में। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि यदि आप ज्वाइनिंग करते हैं, योगदान देना आपका जो पेरेंट ऑफिस है यानी हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको जाके देना है, WRD या DWSTA का, तो आपको नेपाल हाउस सचिवालय आना पड़ेगा, या फिर RCD है तो प्रोजेक्ट भवन जाना पड़ेगा। योगदान देने टाइम आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा भी एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा कि स्टेट के पूर्वाहन में मैं योगदान दे रहा हूँ, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय यानी पोस्टिंग जब आ जाएगा उस समय आपका फॉर्म 202 फिल करना होता है, ये होता है प्रभार लेना होता है, तो ये बाद में जब भी पोस्टिंग डिपार्टमेंट निकाला नहीं है, सबको पहले ज्वाइन करा लेगा, उसके बाद फिर पोस्टिंग निकालेगा, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि जॉब लोकेशन कौन सा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं अब दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मेट में आपको बनाना है डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आप पॉइंट नंबर 1 पे देख सकते हैं, देर आर नो एनी एडवर्स रिमार्क्स अगेंस्ट मी इन एनी पुलिस स्टेशन, दैट देयर इज नो क्रिमिनल केस भी मेरे अगेंस्ट नहीं है। उसके अलावा आपका जो थर्ड पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब यही एक्चुअली मांगा जाता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गया या अदर सर्टिफिकेट्स हो गया, तो सब जितना भी आप सबमिट कर रहे हो डिपार्टमेंट पे सब सही है और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वही यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये आप इस अपना नियरेस्ट अनुमंडल में जाके बनवा सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा था कि ये जो परफॉर्मा है चल इन अचल संपत्ति का है। ठीक है, तो ये आपका PDF आपका मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आपका ये घोषणा है कि आप डोरी नहीं लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। यहाँ पे देख पाएंगे फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस इन एनी केस ऑफ एग्जामिनेशन बाय मेडिकल बोर्ड, तो इसमें बोला गया एक मेडिकल बोर्ड इस्टेब्लिश करने के बाद, बेसिकली एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है वो चेक करते हैं, तो उतना नहीं होता है, आपसे सिंपल आपको जाना है नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट सरकारी अस्पताल है वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक स्टैम्प आपको लगेगा जब आप
एफिडेविट बनवाएंगे उस टाइम, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे ही बनता है। सो गाइस जितना जल्दी हो सके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेना है और जल्दी से जल्दी अपना योगदान दें, यदि आपका कोई भी जॉब नहीं है तो। और एक्चुअली मैं सर्कुलर सारे डिपार्टमेंट का पढ़ा नहीं हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ, यदि आपको उस डॉक्यूमेंट में यदि लिखा है कि आपको लीविंग ले के आना है, तब आप जो प्रेजेंट जॉब है वहाँ से रिजाइन करने के बाद ही आप ज्वाइन करें, ठीक है। और लीविंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तब आप सिंपली यहाँ पे योगदान दे दें, जब पोस्टिंग आएगा तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका नोटिस पीरियड में टाइम लगेगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट को दे देना है कि 30 दिनों के अंदर मैं ज्वाइनिंग नहीं कर सकता ड्यू टू दिस रीजन्स। उसके बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का एक्सटेंशन आप ले सकते हो, ठीक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल।